चरखी दादरी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रत्याशी नृपेंद्र सांगवान के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दादरी के साथ उनका पुराना रिश्ता है। कांग्रेस के 10 साल के राज में इस क्षेत्र में अनेक विकास करवाए गए। आज उसी की बदौलत यहां की जनता से वोटों की अपील करने पहुंचा हूं। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में हरियाणा को नंबर 1 बनाया, लेकिन बीजेपी ने हर वर्ग की हितों की अनदेखी करते हुए कोई वादा पूरा नहीं किया। 10 साल हमारी सरकार रही और 14 में बीजेपी की बनी। बीजेपी ने बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े वायदे किए, किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, व्यापारियों के साथ, लेकिन हुआ क्या? 5 साल में किसान को कहा था स्वामीनाथन देंगे, आज किसान का हालात क्या है हरियाणा में, बर्बादी के कगार पे है, और बीजेपी ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया।